हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर आज क्लास में बात करने वाले हैं। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, राजनीतिक परिपेक्ष क्या है, इन सब टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज की इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन देखेंगे। जब हम इस पहलू पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में ये रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम अभी तक नहीं पढ़ सके हैं, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जिससे हम जान सकें कि इस सभ्यता के लोग किस प्रकार के समाज या धर्म या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण या उनका आर्थिक पक्ष क्या था। इन सब चीज़ों के विषय में हम कैसे जानेंगे, इनके विषय में हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके एक बेहतरीन अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी हम इस क्लास में या आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे वह सिर्फ विद्वानों के द्वारा विश्लेषण किया गया एक अनुमान है, एक अच्छा बेहतरीन अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, जब भी हम किसी समाज के विषय में जानना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे वो चीज़ पहले आप देखें कि हम यहाँ पर क्या चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा का समाज, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पे इनका समाज देखेंगे, समाज का वर्गीकरण। दूसरी चीज़, स्त्रियों की दशा हम देखेंगे, या इसे हम ये कह सकते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इनका खान पान और इनका हम पहनावा वगैरह देखेंगे, यानी वेशभूषा देखेंगे। ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे थे, क्या करते थे, उस पर हम बात करेंगे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे उसको देखेंगे, और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है उसकी इकाई है परिवार। एक पॉइंट पहले आप नोट करें कि समाज की इकाई है परिवार। एक घर के कुछ सदस्यों से मिल करके एक परिवार का निर्माण होता है, और फिर कई परिवार या अनेक परिवार मिल करके एक समाज का निर्माण करते हैं। उस समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका वर्गीकरण हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, कोई भी समाज होता है वो एक व्यवस्था पे चलता है। आज का अगर हम वर्तमान का, पहले हम हड़प्पा को छोड़ देते हैं, अगर हम वर्तमान के समाज का वर्गीकरण की बात करें, समाज का वर्गीकरण हम सबसे पहले देखने वाले हैं, तो उसी पे डिस्कस करते हैं समाज का वर्गीकरण। तो हड़प्पा के समाज को हम पहले एक तरफ रखते हैं और आज के समाज पे पहले हम दृष्टिपात करें। तो आज का समाज किस प्रकार वर्गीकृत है, कैसा वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है आज के समाज का। देखिए, आज का समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है, बिल्कुल वर्गीकृत है। हम देखते हैं आज का समाज जो है वो अलग अलग जातियों के समाज हैं, और हर समाज के अपने कुछ कायदे, नियम, कानून या सिद्धांत आप कह सकते हो, वो उन्होंने तय किए हुए हैं, मानक तय किए हुए हैं। आज का समाज जो है, वर्ण व्यवस्था को भी आप देखते हैं, वर्ण व्यवस्था आज के समाज में है, और क्लास भी देखते हैं, यानी वर्ग व्यवस्था भी आप आज के समाज में देख रहे हैं, क्लास भी देख रहे हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आज के समाज की अगर हम बात करें तो जाति सिस्टम जो है, वो जाति सिस्टम कैसे चलता है, वो जन्म के आधार पे चलता है, जन्म के आधार पे। यानी जिस जाति के माता पिता के घर में आपका जन्म होता है, आपकी जाति डिसाइड हो जाती है, यानी ये जन्म के आधार पे चलने वाला एक सिद्धांत है। जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कहा जाता है कि पहले ये कर्म के आधार पर चलता था। आप आगे वर्ण व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, तो पहले ये कर्म के आधार पर चलता था, लेकिन वर्तमान में इसको भी अब जन्म के आधार पर तय किया जाता है। जैसे कि हम चार वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले माना जाता था कि एक वर्ण में अगर कोई व्यक्ति है तो वह अपने कार्यों के आधार पर दूसरे वर्ण में भी शिफ्ट कर सकता था, लेकिन अब इसको भी जन्म के आधार पर, आगे समय में जन्म के आधार पर इसको भी हो गया। तो जो व्यवस्थाएँ जन्म के आधार पर चलती हैं, उन व्यवस्थाओं में मनुष्य के पास एक संतुष्टि का भी स्तर है और एक असंतुष्टि का स्तर भी जन्म लेता है कभी कभी। जैसे कि एक एक्स पर्सन है, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, और वो अपने जन्म
के आधार पर जो उसे जाति और कर्म मिलता है या वर्ण मिलता है, जाति और वर्ण, अगर वह उसमें से किसी से असंतुष्ट है तो वह उसे चेंज नहीं कर पा रहा है। वो अथक प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसके पास उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह अपने जन्म को नहीं चेंज कर सकता है, तो वह अपने जाति और वर्ण को भी नहीं चेंज कर पा रहा है, तो वह असंतुष्टि के एक स्तर पर पहुंच जाता है कभी कभी कोई मनुष्य। लेकिन जो व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर होती हैं, जैसे कि वर्ग व्यवस्था कर्म के आधार पर है, तो उसमें अगर कोई एक्स वाई जेड पर्सन है और वह अपने क्लास को चेंज करना चाहता है, अपने वर्ग को चेंज करना चाहता है, तो वह अपने कर्म के आधार पर चेंज भी कर सकता है। ये व्यवस्था क्या है? देखिए, ये व्यवस्था इसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन को समझेंगे, जैसे आज के समाज में आप देखते हो कि शिक्षा, व्यवसाय, रहन सहन के स्तर इत्यादि के आधार पर क्लास बनने लगे हैं। जैसे कि आप भी अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी में जाओगे तो सरकारी नौकरी वाले लोगों का एक वर्ग है, एक क्लास है। आईएएस वाईएएस बन जाओगे तो आईएएस का एक वर्ग है, पीसीएस है, यानी सिविल सर्विसेज के लोगों का एक अपना एक क्लास है। उसी प्रकार से शिक्षक, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो टीचर एक वर्ग है, एक टीचर क्लास हो गया। व्यापारी क्लास है, नेता बन जाते हैं आप तो नेताओं का अपना एक क्लास है, और उनके आपसी रिश्ते जो होते हैं, यानी उनका एक आपस में एक बॉन्ड है, जैसे नेता नेता के साथ, आईएएस है तो आईएएस का अपना वर्ग है, टीचर टीचर के साथ उनके ग्रुप हैं तमाम, आप देखते हैं कि ऑन पेपर भी ग्रुप बने हुए हैं और सोशल तो है ही। तो वर्ग ये कर्म के आधार पर है, यानी कि आप कर्म करते हैं, और अगर आप शिक्षक बन जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप शिक्षक बन जाते हैं, तो आपका शिक्षक वर्ग हो गया। अगर आप जाके आईएएस बन जाते हैं तो आप आईएएस वर्ग में पहुंच जाएंगे, यानी आईएएस भी एक वर्ग है। अगर आप जो है अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं तो आप बिजनेस वर्ग क्लास में आ जाएंगे, आप सीए के क्लास में आ जाएंगे। इसी तरीके से सो ऑन बहुत सारे वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं। तो ये जो कर्म आधारित वर्ग होता है उसमें व्यक्ति ज़्यादा संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो अपने कार्य से, अपने कर्म से अपने इच्छित वर्ग में जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है, भले भी वो ना पहुंच पाए। यानी आप कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हो सकता है आईएएस ना बन पाए, तो आईएएस ना बन पाने की वजह से आप असंतुष्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपके पास एक संतुष्टि का एक विकल्प ये रहेगा कि हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मेहनत करके बन सकता हूँ। तो ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो समाज कई आधारों पर वर्गीकृत रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, यानी जाति वर्ण या कार्य कर्म के आधार पर। तो ये व्यवस्था आज भी समाज में आपको देखने को मिलती है, वर्गीकरण, विभेद की व्यवस्था। अब अगर हम समाज का वर्गीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात कर रहे हैं, तो हमको कोई लिटरेचर तो नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हमको जो लिपि मिली वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको नहीं पता है कि जात या वर्ण जैसी कोई व्यवस्था थी। अगर हम बात करें कि जात या वर्ण व्यवस्था, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यानी कि ये था या नहीं था उस पे हम निश्चित नहीं हैं। हो सकता है कि जात व्यवस्था हो सकता है वर्ण व्यवस्था हो, या कोई और आधार हो जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया हो समाज का, लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क है, वो हम नहीं कह सकते। तो किस आधार पर भी समाज का वर्गीकरण क्या नहीं था, तो ऐसा नहीं था, समाज का वर्गीकरण था, और वो था आर्थिक आधार पर। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो समाज का वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप उत्तर लिखेंगे आर्थिक आधार पर वर्गीकरण था, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण था। यानी कि आर्थिक आधार पे जो वर्गीकरण होता है वो कर्म आधारित है, कर्म आधारित है बिल्कुल, जो एक ज्यादा सेटिस्फाइड समाज का निर्माण करता है, कर्म आधारित है। यानी कि चूंकि यहां कर जो आधार है समाज का वो आर्थिक है, यानी जितना जो अर्थव्यवस्था में ऊपर है, तो आप मेहनत करके अपने कर्म से अपने आर्थिक स्थिति को ऊपर ले जा करके आप ऊंचे वर्ग में पहुंच सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप नीचे वर्ग में पड़े रहेंगे। तो समाज का वर्गीकरण देखने को मिलता है, लेकिन वह
आर्थिक आधार पर है। अब आप ये क्वेश्चन मन में आएगा कि ये हमको कैसे पता चलेगा, कोई लिटरेचर तो है नहीं, अगर हमको ये चीज़ नहीं पता है तो ये कैसे पता है। तो यह पता है हमको इस आधार पर, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं नगर संरचना। देखिए नगर संरचना आपको दिखाई पड़ती है, अभी हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर आवास, आवास का आकार आपको दिखाई पड़ता है, प्राप्त वस्तुएं और समाधान आपको दिखाई पड़ता है आदि। इन चीज़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि समाज का वर्गीकरण था कैसे। देखिए समझिए इस चीज़ को, एक बार आप समझ लेंगे, अभी सब कुछ बाकी सब फैक्ट ही फैक्ट है, इसको समझ लें। लिखना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए हम समाज का वर्गीकरण देख रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो उसको आर्थिक आधार पर किया गया था, और ये हम किस आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, नगर संरचना को देख करके। आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है वो दो टीलों में विभक्त है, इस तरीके से आप देखते हो। एक पश्चिमी टीला आप देखते हो, पश्चिमी टीला, इसे क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे, और एक पूर्वी टीला होता था, इसको निचला नगर कहते थे, नगर। ज़्यादातर बोलचाल में इसे दुर्ग और इसे नगर ही कह दिया जाता है, लेकिन ये निचला नगर है, ये ऊंचा नगर है, ऊंचा टीला, नीचा टीला, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, कुछ भी आप कह लीजिए। और ज़्यादातर आपने देखा है कि इसका जो है एक बाउंड्री वॉल होता था, मुख्य रूप से इसी का होता था, कुछ में आपको दोनों का मिलेगा इस तरीके से। तो जब हम नगर संरचना को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको रहने के दो तरीके दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऊंचे पे रह रहे हैं, जिनको एक सुरक्षा प्राचीर मिली हुई है, यानी उनकी सुरक्षा ज़्यादा है, यहाँ के भवन बड़े हैं, सुविधा संपन्न है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से बहुत ये कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी इसमें और इसमें मूलभूत अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के कैटेगरी के लोग रहते ज़रूर हैं। समझ में आई, नगर संरचना को हमको देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दो प्रकार का वर्गीकरण तो साफ है, और वो आर्थिक आधार पर हम मानेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति जन्म के आधार पर रह रहे हैं, यहाँ के व्यक्ति जन्म के आधार पर रह रहे हैं, या अपने कर्म के आधार पर रह रहे हैं। तो हम चूँकि जन्म के विषय में नहीं जानते हैं, इसीलिए हम पूरा अनुमान लगाएंगे कि यह कर्म के आधार पर है, यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर है। आवास का आकार, जब हम हड़प्पा सभ्यता के मकानों को देखते हैं तो कुछ मकान बड़े मिलते हैं, जिसमें तीन या चार कमरे हैं, कुछ हमको मकान छोटे आकार के मिलते हैं जिसमें एक या दो कमरे हैं। तो एक ही शहर में दो तरीके के मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, तो ये भी एक वर्गीकरण है। छोटे मकान, बड़े मकान, इसका मतलब है कि दो वर्ग के लोग हैं। तो आवास का आकार हमने देखा। प्राप्त वस्तुएं, जब हम वस्तुएं देखते हैं तो ज़्यादातर जो बड़े मकान हैं वहाँ पर आपको तांबा, सोना, कांसा, इन चीज़ों के बर्तन वगैरह, जैसे बर्तन वगैरह हैं, वस्तुएं अच्छी हैं, यानी कि आप देखते हैं जो बड़े घर हैं वहाँ पर हमको वस्तुएं महंगी धातुओं के, यानी तांबा, सोना, कांसा, चांदी, ये सब देखने को मिल रहा है। जो यहाँ की वस्तुएं हैं वो ज़्यादा एलीट क्लास की हैं, ज़्यादा रिफाइन, अच्छी हैं। जब हम छोटे मकानों में जो वस्तुएं मिल रही हैं वहाँ पे हमको ज़्यादातर जो है मृदा, यानी मृण मूर्तियाँ मिल रही हैं, मृद भांड मिल रहे हैं, वहाँ पे वस्तुएं जो हैं वो उतनी बेहतर क्वालिटी की नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आधार आर्थिक है कि जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सोने के आभूषण पहने, इसीलिए उनके घर में सोने के आभूषण नहीं मिल रहे, उनके घर में मिट्टी के आभूषण मिल रहे हैं, टेराकोटा के आभूषण मिल रहे हैं। जो बड़े घर हैं वहाँ पे दूसरे प्रकार की वस्तुएं मिल रही, छोटे घरों में और प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं, निम्न क्वालिटी की वस्तुएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वस्तुओं के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें एलीट क्लास भी है, अच्छे वर्ग, मतलब आप ऊँचा स्तर या निम्न स्तर भी कह सकते हैं। समाधान की विधियाँ, अगर हम देखते हैं, जब हम कुछ कब्रों को देखते हैं तो उसमें भी हमको आर्थिक आधार पर अगर हम उसका विश्लेषण करें तो कब्र में, कुछ कब्रों में शव के साथ में जो वस्तुएं रखी गई हैं उन वस्तुओं को, और कुछ छोटी कब्रों में जिन वो वस्तुएं जो रखी गई हैं उनकी क्वालिटी में अंतर है।
यानी एक जगह आपको तांबे के बर्तन या वस्तुएँ मिल रही हैं, एक जगह मिट्टी के ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्लास है। जो धनाढ्य लोग रहते होंगे उनके कब्रों में भी समाधान के समय वस्तुएँ महंगी रखी गई हैं। तो नगर संरचना, आवास का आकार, प्राप्त वस्तुएँ, समाधान आदि को देख करके हम आर्थिक आधार पर समाज को वर्गीकृत मानते हैं और तीन वर्गों में विद्वानों ने इसे बांटा है। कहीं कहीं पर आपको चार वर्ग भी मिलेंगे देखने को, लेकिन नहीं, आप इसे तीन वर्ग में लिखें। समाज का वर्गीकरण जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज तीन वर्गों में बटा था। तो वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए। पहला वर्ग जो है वो माना गया है, इसको कुछ लोग पुरोहित वर्ग कहते हैं। पुरोहित वर्ग, या आप इसे विद्वान वर्ग कह सकते हैं, विद्वान वर्ग या योद्धा वर्ग, या इसे आप उच्च वर्ग, उच्च सुविधा प्राप्त वर्ग, वर्ग अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आप इसे एक मान के चलिए ये एलीट क्लास था, ये एक उच्च वर्ग रहा होगा जो कहाँ रहता था, ये जो वर्ग है ये दुर्ग में रहता था। ये कहाँ रहते थे, ये पश्चिमी टीले में रहते थे, पश्चिमी टीला या दुर्ग जिसको बोलते हो, ये इनका आवास था। तो कौन लोग यहाँ पे रहते होंगे, हमने माना कि यहाँ पे पुरोहित रहते होंगे। अगर हम मानते हैं कि पुरोहित उस समय का शासक वर्ग था, तो पुरोहित कह लीजिए या शासक कह लीजिए या आप योद्धा कह लीजिए उस समय के जो भी होंगे, तो आदि ये लोग जो हैं शासक प्रशासक लोग, पुरोहित लोग, ये कहाँ रहते होंगे, ये रहते होंगे ऊंचे टीले पर। तो ये अधिक सुविधा संपन्न थे, ये क्या थे, ये अधिक सुविधा संपन्न थे, अधिक सुविधा संपन्न, अधिक सुरक्षित, इनका आवास जो है वो अधिक सुरक्षित भी था। तो एक वर्ग ये रहा होगा। दूसरा वर्ग वो रहा होगा जो अब पूर्वी नगर में रहता होगा, और उसमें ज़्यादातर व्यापारी रहते थे, ज़्यादातर कारीगर रहते थे। आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, शिल्पकार रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएँ बनाने के कारखाने, भट्टियाँ इत्यादि मिल रही हैं। तो इसका मतलब है व्यापारी, शिल्पकार, कारखाने वगैरह सब वहीं मिल रहे हैं, तो वो सब वहाँ रहते होंगे। तो दूसरा जो वर्ग माना गया जो रहा होगा हड़प्पा में, उसको हम मध्यम वर्ग मान लेते हैं, मध्यम वर्ग। और इसको, इसमें रहते थे व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, किसान भी रहते होंगे, अगर शिक्षक हैं, मतलब सो ऑन, आप बहुत सारे व्यापार के जो हैं रूप इसमें लिख सकते हैं। व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर सबसे मुख्य हैं आदि, ये सब किस में रहते होंगे, ये सब मध्यम वर्ग में रहते थे, और ये सब जो हैं रहते थे पूर्वी नगर में, पूर्वी नगर। और ये मध्यम सुविधा संपन्न थे, शायद ये बड़े घरों में रहते होंगे। अब एक इनसे भी कमज़ोर वर्ग था, जिसको हम सबसे कमज़ोर वर्ग मानेंगे, और उसमें वो लोग रहते होंगे जिनके पास सुविधाएं कम थी, वो स्किल्ड नहीं रहते होंगे, यानी वो न शिल्पकार थे न कारीगर थे, वो धनवान नहीं थे, व्यापारी भी नहीं थे, उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं ज़्यादा होती होगी, वो किसी मतलब मध्यम वर्ग में नहीं थे, वो कमज़ोर थे। तो उनको हम मानते हैं कि जैसे मजदूर वर्ग या सेवक वर्ग या दास कह सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दास होते होंगे, भले उन दासों की स्थिति उतनी ख़राब नहीं होती होगी जैसा बहुत जगह देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है कि दास होते हों। बहुत से विद्वान उसको मानते हैं, बहुत से विद्वान उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा जो है वो कमज़ोर वर्ग आप कह सकते हो, इसको सबसे निम्न वर्ग मान सकते हैं, कमज़ोर वर्ग। और इसमें जो है मजदूर कैटेगरी और सेवक, या इसे आप दास भी कह सकते हैं, और ये भी पूर्वी नगर में रहते थे, क्योंकि पूर्वी नगर के जो घर हैं
वो बड़े और छोटे दो टाइप के मिले हैं। तो माना जाता है जो बहुत छोटे घर हैं वो इन लोगों के रहते होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सुविधा वाली चीज़ें नहीं मिली हैं। तो ये लोग जो थे वो अल्प सुविधा संपन्न थे, बहुत कम इनके पास सुविधा संपन्न थे, ये अल्प सुविधा संपन्न। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सब कुछ ये जितना भी बताया जा रहा है आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण का खेल है। इसमें हमको कहीं भी किसी लिटरेचर में नहीं लिखा मिल रहा है कि हड़प्पा का समाज ऐसा था, क्योंकि हम उसकी लिपि को पढ़ ही नहीं सकते। तो ये कैसे निकल के आ रहा है, ये हमने आपको बताया नगर संरचना, आवासों का आकार, प्राप्त वस्तुएं, समाधान, ये सब देख करके पता चलता है कि समाज में वर्गीकरण था, और वर्गीकरण वो पैसे के आधार पर यानी आर्थिक सुविधा के आधार पर था, और जिसमें हम तीन वर्ग कैटेगराइज कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसमें जाति और वर्ण इत्यादि थे कि नहीं थे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। इसके विषय में हम नहीं कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं था, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि था, तो प्रश्न चिन्ह है। हाँ ये है, प्रजाति कह सकते हैं, हमको जाति तो नहीं पता मनुष्य की क्या, लेकिन प्रजाति हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि चार प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं मनुष्य की, प्रोटो एस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन और मेडिटेरेनियन भूमध्यसागरी, जिसमें भूमध्यसागरी जो हैं यानी मेडिटेरेनियन जो हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाए गए कंकाल। तो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो इस हड़प्पा सभ्यता में रह रही थी वो किस प्रकार की प्रजाति का मनुष्य था, वो मेडिटेरेनियन प्रजाति का था। तो प्रजाति तो हमको पता है, तो ये समाज का वर्गीकरण देखा आपने, लेकिन एक चीज़ और आपको देखनी है कि समाज में सौहार्द था, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर को किसी किनारे कर दिया गया था। यानी कि जब हम नगर को देखते हैं तो बड़े मकान छोटे मकान, बड़े मकान छोटे मकान अलग अलग नहीं हैं, वो मिक्स हैं। यानी कि हर बस्ती में जहां आप जाते हैं तो छोटे बड़े मिश्रित मकान मिलते हैं। इसका मतलब है कि विभेद आर्थिक ज़रूर था, लेकिन छोटे या बड़े कमज़ोर या शक्तिशाली होने पर उनमें कोई भेदभाव नहीं था, इसीलिए उनके मकान सब मिक्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है उनको भगा के किनारे कर दिया। अगर नगर में कुछ ऐसा मिलता, अगर नगर हमको ऐसा देखने को मिलता कि छोटे छोटे मकानों की एक अलग बस्ती है, बड़े बड़े मकानों की एक अलग बस्ती है, तो ये समझ में आता कि जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे वो अलग रहना पसंद करते थे, छोटे लोगों को वो किनारे रखते थे, अलग रखते थे। या ऐसा पता चलता कि सब छोटे लोगों की बस्तियों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी नालियाँ नहीं हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं, तो उससे पता ये चलता कि कमज़ोर वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब है समाज में वर्गीकरण तो है लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, शासन प्रशासन के तौर पे सबको सुविधाएं मिल रही थी। तो ये हो गया समाज का वर्गीकरण। अब आइए देखें समाज का स्वरूप क्या है, यानी स्त्रियों की दशा क्या थी। देखिए हमने इसको स्त्रियों की दशा क्यों लिखा है, पुरुषों की दशा क्यों नहीं लिखा, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ लोग कि सर स्त्रियों की दशा क्यों लिख रहे हैं, पुरुषों की दशा लिखिए, या फिर आप कुछ और शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए जो भी शब्दावली होती है वो वर्तमान के परिपेक्ष में ही की जाती है। जैसे हमने अभी पुरोहित शब्द का प्रयोग किया, तो जैसे आज होते हैं पुरोहित होते हैं, शासक होते हैं, इस तरह, तो हम भी मान के चलते हैं कि उस समय भी ऐसा कुछ रहा होगा। अगर स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो वर्तमान भारत का जो समाज है, हम नहीं कहेंगे कि पुरुष सत्तात्मक है या पुरुष प्रधान है, लेकिन अगर व्यवहार में देखें, अगर व्यवहार में आप देखते हैं तो स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में आपको व्यवहारिक रूप से समाज में कमज़ोर दिखाई पड़ेगी, निश्चित है, इसको मानना पड़ेगा। हालांकि कानूनी रूप से या अपने जो क्रियाकलाप हैं शासन प्रशासन के, शिक्षित वर्ग के, बुद्धिजीवी वर्ग के, वो सब का प्रयास है कि स्थिति को बराबर किया जाए, और काफ़ी हद तक सफलताएँ मिल भी रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वर्तमान समाज की अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो वर्तमान का जो समाज है उसमें अगर हम स्त्री की स्थिति पर बात करें तो आप ये पाएंगे कि स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति बराबर नहीं है अभी। तो इसीलिए
इसीलिए हम चूँकि आज ऐसा देखते हैं, इसीलिए हम हड़प्पा में भी विश्लेषण करेंगे कि क्या स्त्रियों की दशा उसमें भी इसी प्रकार से थी या कुछ अंतर था। तो स्त्रियों की दशा या समाज का स्वरूप आप इसे लिखें, समाज का स्वरूप कैसा था, या आप स्त्रियों की दशा लिख सकते हैं, स्त्रियों की स्थिति। तो एक लाइन में आप लिखेंगे समाज मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, सम्मान था उनका, रिस्पेक्ट थी, और स्त्रियां बेहतर अच्छी स्थिति में थीं। कैसे, अब कैसे भाई, आपने कैसे कह दिया ये? तो सबसे पहले इसके साक्ष्य के रूप में हमको क्या मिला है? मिला ये है कि जब हम हड़प्पा साइट्स में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनको देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम देवियों को देखें, यानी कि जो वहाँ पर मिली, जिनको हम देवी की संज्ञा दे रहे हैं, तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। यानी मुहरों पर या मूर्तियों के रूप में जो हमको देवियाँ मिली, जिनको देवी कहा गया, जैसे मातृ देवी या उर्वरता देवी, तो देवियों की संख्या ज़्यादा है। जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें स्त्रियों की संख्या यानी फीमेल स्कल्पचर ज़्यादा मिलता है मूर्तियाँ, तो इससे भी पता चलता है कि उनको महत्व दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो रीज़न है। एक तो नारी की मूर्तियाँ अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, ये तुलना रूप में, ऐसा नहीं कि पुरुषों के नहीं मिली हैं, नारी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। और जो देवियाँ हैं उसमें भी हम देखते हैं कि मातृ देवी, उर्वरता देवी, यानी कि यहाँ पे वो स्त्री को एक शक्ति के रूप में पूज रहे हैं। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, अब उनको हमने एक शब्द दिया है मातृ देवी, जॉन मार्शल ने जो है मातृ देवी शब्द दिया है उसे। तो उर्वरता देवी माना गया, एक मुहर पे अंकन है, हमने ये सब पीछे आपको साक्ष्य बताए हैं। तो इससे पता चलता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था, स्त्रियों का अच्छा सम्मान था। और इसके समर्थन में एक प्रमाण और है हमारे पास, अगर हम समकालीन एक सभ्यता को देखें, अगर हम समकालीन सभ्यता को देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मात्र सत्तात्मक थी। देखिए उनका ये डिसाइड है, उनका लिटरेचर पढ़ लिया गया ना, हमने बताया था कि सुमेरियन सभ्यता जो है वहाँ पर हमको एक ऐसा स्टोन मिल गया जिसमें एक से अधिक भाषाओं में जो है लिखा हुआ था, तो उसे मैच करके वहाँ की लिपि को पढ़ लिया गया। तो जब वहाँ की लिपि को पढ़ लिया गया तो वहाँ के समाज, राजनीति, धर्म इत्यादि के विषय में हमको एक निश्चित नॉलेज प्राप्त हो गया। तो वहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक है और वो प्रूव्ड है। अब यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है कि नहीं है, हम लिपि को तो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हम जो प्रमाण देख रहे हैं उसके आधार पर तो यही लगता है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी है और उनको बराबर सम्मान अच्छा मिल रहा है। समाज मात्र सत्तात्मक है, क्योंकि उस समय हम एक समकालीन सभ्यता में भी देख रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक था। तो इससे लगता है चूँकि हड़प्पा सभ्यता भी इसी के साथ थी और इस सभ्यता के बीच में परस्पर काफ़ी व्यापार अंतर संबंध रहे थे। बहुत से विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि मेसोपोटामिया से ही विकास के तत्व हड़प्पा में आए थे, इतना ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो निश्चित तौर से ये साक्ष्य भी हमको मिल रहे हैं और ये भी है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये हमने देखा स्त्रियों की स्थिति के विषय में। अब एक यहाँ पर आता है कि क्या सती प्रथा है, भाई एक कमज़ोर पक्ष भी देखें। तो यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि सती प्रथा जैसी चीज़ है या नहीं है समाज पे, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमको एक दो समाधान ऐसे मिले हैं, आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ से हमको ऐसे समाधान मिले हैं जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो उसमें एक अनुमान ये लगाया जा सकता है, क्या यह समाधान
सती प्रथा के रूप में किया गया है या इत्तेफाक भी हो सकता है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सती प्रथा के एक संभावित साक्ष्य मान सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो स्त्रियों की दशा कैसी है? अच्छी स्त्रियों की दशा है मात्र सत्तात्मक समाज है। आइए हम खान पान पर बात करें। खान पान, सबसे पहली चीज़, खान पान दोनों प्रकार का है, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के खान पान आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, अन्नागार बने हुए हैं जिसमें अन्न रखा जाता था, तो इसका मतलब अन्न का उत्पादन होता था। और कौन कौन से, आप गेहूँ देखते हैं, गेहूँ के साथ अगर मुख्य अनाजों की बात करें तो गेहूँ, चावल, दालें, तिल, मोटे अनाज, बाजरा वगैरह, जौ आदि, इन सब चीज़ों के साक्ष्य आपको विभिन्न स्थलों से मिलते हैं। तो शाकाहार तो बिल्कुल है ही, शाकाहार है तो साग सब्जी भी है, पशुपालन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप पशुपालन भी देख रहे हैं। पशुपालन में अगर कर रहे हैं, भैंस वगैरह का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भैंस का कर रहे हैं, बकरी का है, भेड़ है, इत्यादि बहुत से पशु पाल रहे हैं, तो इसका मतलब उनको दुग्ध का भी ज्ञान है। तो पशुपालन कर रहे हैं तो दूध, अगर दूध का ज्ञान है तो दूध से अन्य चीज़ें, दूध, दही, घृत में माखन इत्यादि की भी जानकारी संभावित है होगी, तो दूध का भी ज्ञान है उनको। और चूँकि मनुष्य रह रहा है प्रकृति में, तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि उसको फल फ्रूट का ज्ञान नहीं होगा, तो कंदमूल फल तो खाते ही होंगे, शाकाहारी हैं वो। मांसाहार भी है, क्योंकि कई स्थलों से आपको, कई स्थलों से अधजली पशुओं की हड्डियां मिलती हैं, यानी कि मांस पकाया जा रहा था तो मांसाहार था। और मांसाहार को हम इसलिए डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मांसाहारी मनुष्य तो प्राकृतिक रूप से शुरुआत से है। हमने आपको पहले ही बताया कि पाषाण काल से जब मनुष्य का जीवन शुरू हुआ, मांसाहार तो उसका पहले से प्रथम भोजन था। बाद में वो शाकाहारी हुआ जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश हुआ और उसने एग्रीकल्चर को सीखा। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खान पान आपको देखने को मिलता है इस हड़प्पा सभ्यता में, इसकी सामाजिक स्थिति के रूप में। वेशभूषा पर बात करें, समाज में किस प्रकार के वेशभूषा आपको देखने को मिलती है, तो कैसे जानेंगे वेशभूषा के विषय में? आप खुद से अनुमान लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता से हमको कुछ भी लिखा नहीं मिला है कि क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे, कैसे अनुमान लगाएंगे आप? जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने जो सोचा वही है कि हम वहाँ की मुहर, मूर्तियाँ, जब हम मूर्तियों को देखेंगे, मुहरों पे बने बर्तनों पे बने चित्रों को देखेंगे, तो हमको क्या पता चलेगा कि उसमें किस प्रकार के पहनावे को दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है वैसा ही पहनावा उनका रहा होगा। और कुछ हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं, काटन का कपड़ा का साक्ष्य मिले हैं, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो सूती वस्त्रों के विषय में जानते थे। और भेड़ वगैरह का पालन करते हैं तो भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, तो मे बी पॉसिबल वो ऊनी वस्त्रों के विषय में भी जानते होंगे। और सादे वस्त्र तो बनते ही होंगे, कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई के विषय में भी वो जानते हैं, क्योंकि हमें सुई प्राप्त होती है, यानी सिलने की सुई प्राप्त होती है, तो सिलाई जानते थे, सिले हुए वस्त्र पहनते होंगे और बिना सिले हुए भी पहनते होंगे, क्योंकि ऐसा वो कई मूर्तियों में मिलता है। जैसे कि एक मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है, दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा, जिसमें वो एक साल ओढ़े हुए हैं जिस पे साल पे कढ़ाई है, तो उससे पता चलता है कि कढ़ाई का भी ज्ञान इनको रहा होगा, कढ़े हुए वस्त्र भी पहनते थे। तो वेशभूषा में देखिए, वेशभूषा तो सबसे पहले हम इसमें वस्त्र देखते हैं, वस्त्र कैसे थे, तो वस्त्र सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। वस्त्र कैसे इनके, सूती भी हैं, ऊनी भी हैं। सूती कैसे हमने पता लगाया, क्योंकि हमें कपास के साक्ष्य मिले और सूती कपड़ा भी मिला, इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। ऊनी कैसे हमने जाना, भेड़ पालन हमको देखने को मिल रहा है, तो भेड़ पालन मांसाहार के लिए भी हो सकता है और सूत के लिए, दोनों के लिए है। और ये जो वस्त्र मिले हमें, तो
ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये सादे भी हैं और कढ़ाईदार भी हैं, एक चीज। और दूसरा ये है कि ये सिले और गैर सिले दोनों प्रकार के हैं। कढ़ाईदार वस्त्र और सिले हुए, देखो सिलाई का ज्ञान कैसे हम जानेंगे, कैसे हमने जाना कि सिलाई, ये जानते थे सिलाई कढ़ाई जानते थे किस प्रकार से, क्योंकि हमें सुई मिली है। आप कमेंट करके बताएं सुई के साक्ष कहाँ से मिले हैं, सुई के साक्ष, तो इससे हमें सिलाई का ज्ञान हो जाता है। और कढ़ाई का कैसे हमने पता लगाया, तो एक जो है मोहनजोदड़ो से लिख ले, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति जो है, योगी की मूर्ति, उसमें जो है कढ़ाईदार साल हमें देखने को मिलता है। आप उस पिक्चर को गूगल करिएगा, देखिएगा उसमें फूल जैसे बने हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वो सिलाई और कढ़ाई का ज्ञान रखते थे, तो इस प्रकार के वो वस्त्र पहना करते थे। हालांकि अगर आप देखोगे जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें ज़्यादातर मूर्तियों को नग्न दिखाया गया है, एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ नग्न हैं, कुछ में आधा शरीर ढका भी है, लेकिन अधिकांश मूर्तियाँ नग्न हैं। इससे ये नहीं पता चल, ये नहीं आप कह सकते हो कि उनको वस्त्र का ज्ञान नहीं था, वो नंगे घूमते थे जैसे पहले पाषाण पुरापाषाण काल में, ऐसा नहीं है। मूर्तियाँ नग्न हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहनावा नहीं जानते थे, क्योंकि हमको पहनावे के पूरे साक्ष्य मिल रहे हैं, मूर्तियों में पहनावा भी है। अगर जैसे कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो नग्न है, उसमें आभूषण पहन रखे हैं लेकिन वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, तो इससे ये मतलब नहीं है कि नर्तकी वस्त्र नहीं पहनती थी। ये अनुमान अगर आप लगा रहे हैं तो गलत है। मूर्ति का नग्न होना ये नहीं प्रदर्शित करता है कि उसमें नर्तकी या अन्य स्त्रियां वस्त्र नहीं पहनती थी, केवल आभूषण पहनती थी, क्योंकि वस्त्र एक नष्ट होने वाली चीज़ है। हो सकता है मूर्ति वस्त्र पहने हुई हो और जो कालांतर में इतने हजारों साल में वो वस्त्र सड़ गल गए, तो हमको मूर्ति मिली वस्त्र नहीं मिले। जैसे कि आज का, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखो, तो अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हो कि इस तरह से डमी लगे होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं। बहुत सारे डमी आपको देखने को मिलेंगे, स्त्री और पुरुष बच्चों के, प्लास्टिक के बने हुए या धातु के बने हुए, नकली आदमी औरतें बनी होती हैं जिनको कपड़ा उन्होंने पहना रखा होता है। देखा आपने कि नहीं देखा, प्रदर्शित करते हैं अपने दुकान के सामने, बहुत सारे लगा देते हैं, 20-25-50 लगा देते हैं, ताकि पता चले कि कपड़ा कैसा लगता है पहनने पे। आप उसे देखते हैं, साड़ी पहने हुए महिलाएँ खड़ी हुई हैं लाइन से, प्लास्टिक की महिलाएँ। अगर वो कपड़ा हटा दिया जाए तो अंदर जो वो बॉडी है वो नंगी बनी हुई है, नग्न है। अगर वो कहीं दब जाए, खप जाए, और बहुत साल बाद अगर वो प्लास्टिक तो सड़ेगा नहीं, धातु जल्दी ख़त्म नहीं होगी, कपड़े तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और बाद में किसी को मिले तो वो देखेगा, अरे पुरुष स्त्री तो सब नंगे बने हुए, तो क्या वो उस समय 2024 में लोग कपड़े नहीं पहनते थे? ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा प्रमाण मिला है कि कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सुई मिला है, कढ़ाई के हमको मूर्तियों में दिख रहे, बहुत सी मूर्तियों में आधा शरीर ढका हुआ है, वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है मूर्ति में ही, तो इससे प्रतीत होता है कि उनको पहनावे का अच्छा खासा वस्त्रों का ज्ञान था। और इतनी बड़ी नगरी सभ्यता है जहाँ पर इन सब तकनीक का डेवलप होना आपको तार्किक रूप से भी सही दिख रहा होगा। अब एक वस्त्र हमने देख लिया, आइए हम आभूषण पे बात करें। अगर यहाँ पे केस सज्जा की बात हम कर लें, केस सज्जा यानी बाल, हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल दो प्रकार की हमको देखने को मिलती है, चोटी और जूड़ा। अब ये भी साक्ष्य वही है, सेम, बार बार वही बात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। चोटी और जूड़ा हम मूर्तियां जो देखते हैं, मूर्तियों में कुछ महिलाओं को जूड़ा बांधे हुए, कुछ महिलाओं को चोटी बनाए हुए दिखाया जाता है, ये है। और इसके साथ साथ चोटी जूड़ा तो आपको देखने को मिल ही रहा है, दो स्टाइल, इसके साथ उन्हें कंघा की जानकारी है, कंघा की जानकारी है, सीसा की जानकारी है, तो हेयर ऑयल की भी जानकारी रही होगी, निश्चित है।
कंघा की जानकारी जो हमने आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति बताई है, जब आप उस मूर्ति को देखेंगे उसको दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। और आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा, जब उसकी आप दाढ़ी को देखेंगे तो उसमें आपको कंघी कर यानी सेट की भी बढ़िया दाढ़ी है, उसमें इस तरीके से लाइनें आपको दिखाई पड़ेंगी दाढ़ी में जो कंघी करने पर आती हैं। तो अगर ऐसा वो करते नहीं थे तो मूर्ति में क्यों बनाया। और दूसरा, कंघा के साक्ष्य भी मिले हैं, कंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कंघा मिला, सीसा मिला, चोटी, जूड़ा, ये सब आपको केश सज्जा के लिए बताना है। आइए बात करें आभूषण। आभूषण तो देखिए, आभूषण के आधार पर भी हमने समाज का वर्गीकरण देखा था। आभूषण कौन कौन से पहनते थे और कौन लोग पहनते थे, क्या स्त्रियां पहनती थी या पुरुष पहनते थे। तो सबसे पहले बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहला बिंदु ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। क्या आज के पुरुष आभूषण पहनते हैं या नहीं पहनते, कमेंट करके बताइए। क्या आज के पुरुष आभूषण पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, देखते हैं आपका कितना लॉजिक है। और जो लोग लिख दें नहीं पहनते हैं वो गलत है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते हैं। हाँ, आभूषणों में अंतर जरूर है। तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैसे पता चला, मूर्तियों से पता चला। मूर्तियाँ हर जगह साक्ष्य, मूर्तियाँ, चित्रकारी जो बर्तनों पे की गई या जो मोहरों पे चित्र बने हुए, उसी से हमें पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, मूर्तियों से पता चलता है हमको। अब आभूषण क्या थे, आभूषण कौन कौन से आभूषण पहने जा रहे थे। तो ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे योगी की मूर्ति को अगर आप देखोगे, नर्तकी की मूर्ति को देखोगे, या अन्य जो देवियों की मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, तो उसमें हम सर से शुरू करते हैं। तो पहले वो सर पे ही एक पट्टा बांधते थे, जिसको इस तरीके से एक सर पे बांधने वाला, इसे मुकुट तो नहीं कह सकते, एक पट्टे का टाइप का है, तो इसे शिरोभूषण कहेंगे। आभूषण कौन से हैं, एक तो शिरोभूषण है, हालांकि मुकुट भी हमें मिला है तो मुकुट भी लिखेंगे, मुकुट। कर्णफूल है, कानों में पहनने वाले कर्णफूल है। गले का हार है, गले का हार। बाजूबंद, बाजूबंद देखने को मिलता है। कमर में पहनने वाली करधनी या कमरबंद, कमरबंद आपको देखने को मिलता है, या इसे करधनी आप कह सकते हो, करधनी। चूड़ियाँ इत्यादि, अंगूठी भी मिली है, अंगूठी भी लिख लीजिए। सब के पीछे हमने आपको साक्ष्य बताए, सब कुछ मिला है, अंगूठी भी मिले हैं आदि। ये आभूषण प्रचलित थे। और ये सब आभूषण जो हैं वो कई चीज़ों के बने होते थे, कुछ धातुओं के बने होते थे, कुछ मिट्टी के बने होते थे, कुछ हाथी दांत के बने थे, सीपी, शंख, कई चीज़ों का प्रयोग जो है वो आभूषण बनाने में किया करते थे। तो आभूषण की सामग्री क्या है, निर्माण सामग्री क्या है, निर्माण सामग्री किस चीज़ से आभूषण बनाते थे। तो धातु के आपको मिलते हैं, धातु में आपको तांबा के मिलते हैं, सोना है, चांदी है, कांसा है, और इसके बाद आपको सीपी के मिलते हैं, शंख है, और मृदा है, मिट्टी के। इन सब चीज़ों के आभूषण वो बनाते थे। और देखिए, अब यहाँ पर जो आप देखोगे, ये जो आभूषण है ये घरों में मिलते हैं, तो जो जितना बड़ा और अच्छा एलीट क्लास का घर मिलता है उसमें उतने अच्छे धातु के आभूषण मिलते हैं, और जो कमज़ोर वर्ग का मिलता है वहाँ पे सीपी, मिट्टी, इन सब चीज़ों के मिलते हैं आभूषण। तभी तो हमने बताया ना कि इसी आधार पे वर्गीकरण भी किया है कि कमज़ोर लोग भी थे और उच्च वर्ग लोग भी थे। आइए अब एक चीज़ और देखें, आभूषण को देख लिया, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी जो है हड़प्पाई लोग किया करते थे। इसमें आपको जो साक्ष्य मिले हैं उसमें देखिए, चन्हुदड़ों से हमने आपको बताया था लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ों से क्या मिला है, लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक मिली है। अगर हम हड़प्पा से देखें तो हड़प्पा से हमको एक श्रृंगारदान मिला है, श्रृंगारदान मिला है, बोतल में काजल मिला है, सो ऑन।
आपको हमने कंघा के विषय में मिला बताया था कि कंघा मिला है, सीसा मिला है और इसके साथ साथ सिंदूर भी मिला है। सिंदूर पाउडर भी मिला है, एक एक जगह पर एक कुछ सफ़ेद बारीक सा मिला है, उसे पाउडर माना गया है। सिंदूर के साक्ष मिले हैं, मूर्तियों की मांग भरी हुई है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मांग में सिंदूर भरने की जो प्रथा है वो हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा के समय से वो चली आ रही है निरंतरता में, आप उस साइट का नाम बताइए। हमने पीछे पढ़ाया है कि किस साइट से वो मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, और सीसा कंघा सब हमने आपको बताया हुआ है। तो सौंदर्य प्रसाधन का ज्ञान जो है वो हड़प्पा के लोगों को था, और वो उस्तरा भी देखिए एक मिला है, उस्तरा दाढ़ी बनाने के लिए, इसका मतलब वो हजामत भी करते थे दाढ़ी वगैरह। जो योगी की मूर्ति है जो आप यहाँ से देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से, तो उसके दाढ़ी है लेकिन उसमें मूछें नहीं हैं, तो इसका मतलब हजामत करते रहे होंगे। तो इस तरीके से उस तरह का उपयोग भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया वेशभूषा, वेशभूषा को देख लिया हमने। आइए शिक्षा और उसकी बुद्धिमत्ता पर बात करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि लोग कितना बुद्धिमान थे, उनकी शिक्षा का स्तर क्या था, टेक्निक तकनीक का ज्ञान कैसा था, उससे भी हम अनुमान लगाएंगे कि समाज की स्थिति कैसी है। देखिए शिक्षा, या आप कह सकते हो बौद्धिकता, बुद्धिमानता क्या है। देखो शिक्षा, बौद्धिक समाज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी समाज है, तकनीकी ज्ञान रखता है, तकनीकी ज्ञान रखने वाला समाज है। कैसे, किन आधारों पर कह सकते हो कि ये बुद्धिजीवी है? क्या इनकी लिखी हुई किताबें कुछ मिला है, क्या तकनीकी ज्ञान रखने वाला है, क्या ऐसा, क्या कैसा, क्या सबूत मिल गया जिसके आधार पर आप कहते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही माइंडेड लोग रहे होंगे, एजुकेटेड रहे होंगे, तकनीक का ज्ञान रखने वाले रहे होंगे? तो इनके बनाई हुई चीज़ें, इनके द्वारा ईजाद की गई वस्तुएँ देखिए आप, इनके द्वारा बनाए गए नगर देखिए, उन सब चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि ये बुद्धिजीवी हैं। कैसे, क्या प्रमाण है? सबसे पहली चीज़, फर्स्ट चीज़ है, लेखन कला का ज्ञान है इनको, लेखन कला। हालांकि हम उस लिपि को अभी पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिखने का ज्ञान इनके बुद्धिमान होने का प्रमाण देता है, लेखन कला का ज्ञान है, हमको मिलती है इनकी लिपि। आप इनका नगर नियोजन देखिए, नगर नियोजन जिसमें आप नगरीय जीवन को देखेंगे, नगरीय सभ्यता जो इसको बनाता है वो चीज़, स्वच्छता यानी नालियाँ, शौचालय आदि आप देखेंगे, सड़कें और बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी इमारतें, स्टेडियम, गोदीवाड़ा आदि, इसमें आप अन्नागार भी देख सकते हैं, बड़ी इमारतें हैं, सभा भवन, अन्नागार इत्यादि। तो ये सब जब चीज़ें देखते हैं तो ये इनका आर्किटेक्चर है जो बगैर तकनीकी ज्ञान के नहीं हो सकता है, जो इनकी समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, नालियां हैं, जो शौचालयों की व्यवस्था है, ईंटें हैं, जो नगर का पूरा प्लानिंग है, वो देखकर आप ये अनुमान लगाइए कि बगैर तकनीकी ज्ञान के, बगैर नाप पैमाना इत्यादि के आप कैसे बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो बुद्धिजीवी समाज है, उसके पास अच्छा तकनीकी ज्ञान था। तो ये एक पॉइंट हो गया शिक्षा और बौद्धिक समाज के विषय में। फिर देखिए मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मनोरंजन ये भी एक समाज का पहलू है। तो मनोरंजन के लिए देखिए शिकार करते थे, हालांकि वर्तमान में तो शिकार पे रोक है, लेकिन पहले शिकार करना एक मनोरंजक कार्य भी होता था, और शिकार मांसाहार के लिए भी किया जाता था और मनोरंजन के लिए भी शिकार किया जाता था। तो इसका कैसे मिलता है, क्या शिकार करने कहीं पे लिखा हुआ है कि ये लोग शिकार करते थे कि नहीं करते थे? तो हमको कुछ मिलते हैं, एक दो ऐसे साक्ष्य जिनमें शिकार का अंकन है। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हमको हड़प्पा से एक मोहर मिली है,
हड़प्पा से एक मुहर मिली है, उस मुहर पे शिकार का अंकन है, शिकार करते हुए दिखाया है, चित्र बना हुआ है, और शिकार के हथियार भी आप देखने को मिलते हैं, सब शिकार के हथियार। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिए, मनोरंजन के पहले एक और हेडिंग आप डाल लीजिए कि यह, यहाँ पे मैं लास्ट में बता दूंगा, शांति प्रिय समाज है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादातर आपको पुस्तकों में हो सकता है ये बिंदु ना भी मिले, तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा, इसको लास्ट में लिख लीजिए चाहे पहले लिख लीजिए, और इसमें ये लिख लीजिए कि हमको हड़प्पा सभ्यता से शिकार के हथियार ज़्यादा मिलते हैं, युद्ध के हथियार कम मिलते हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है वो एक शांति प्रिय समाज था, वो युद्ध प्रिय नहीं था, ज़्यादा युद्ध में विश्वास नहीं रखता था, जबकि व्यापार में उनका ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए व्यापार की वस्तुएं ज़्यादा मिलती हैं, युद्ध की जो हथियार हैं वो कम मिलते हैं, तो वो एक शांति प्रिय समाज है। मनोरंजन में शिकार करना है, शिकार करते थे, मछली पकड़ना, ये भी जो है एक इनका मनोरंजन का साधन था, प्लस इनका मछली खाते भी होंगे। क्या साक्ष्य है यहाँ भी हमको, एक जो है हड़प्पा से साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा से एक बर्तन पे चित्र मिलता है, बर्तन पर चित्र है जिसमें जो है मछली और कछुआ को जाल में फंसाए हुए, एक लिख लीजिएगा, जिसमें एक मनुष्य का चित्र है जो कंधे पर जाल डाले हुए है, जिसमें एक मछली और कछुआ फंसे हुए हैं, तो मछली पकड़ते होंगे तभी तो वो विधि जानते थे, तो मछली पकड़ना, गीत संगीत, यानी कि गीत संगीत भी वो जानते थे, गीत संगीत। एक मुहर मिली है, हड़प्पा से एक मुहर मिली है, एक मुहर मिली है, उस पे जो है वीणा का चित्र है, इसीलिए जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा माना गया है, क्योंकि वीणा के साक्ष्य हमको कहाँ से मिल जाते हैं, हड़प्पा की मुहर से भी मिल जाते हैं, तो वीणा, अगर वीणा का चित्र है तो वीणा बजाते भी होंगे, तो इसका मतलब है गाते भी होंगे, तो गाना बजाना इनका मनोरंजन का एक साधन था। हमको कई जगह से पासा मिला है, तो पासा का खेल वो जानते थे, विभिन्न खेल वो करते थे, खेल और प्रतियोगिताएं, खेल एवं प्रतियोगिताएं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमको पासा मिलता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमको कई जो है पासा मिलता है, शतरंज मिलता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पासा शतरंज ये सब मिलता है, और स्टेडियम मिलता है। स्टेडियम कहाँ से मिला है ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने आपको विधिवत बताया हुआ कि स्टेडियम दो साइड्स हैं जहाँ से स्टेडियम मिला है, तो स्टेडियम वाले दोनों आप यहाँ पे स्थल दर्ज करेंगे, थोड़ा बहुत काम भी आपको दे रहे हैं, तो स्टेडियम मिला है, तो स्टेडियम का मतलब है कि यहाँ पे प्रतियोगिताएँ भी होती होंगी, लोग देखने आते होंगे, प्रतियोगिताएँ खेल की प्रतियोगिताएँ होती होंगी। अब खेल वो किस प्रकार के होते होंगे, जो भी होते हों खेल, पशु पक्षियों को लड़ाना हो सकता है, दौड़ हो सकती है पशुओं का, बैलगाड़ी वगैरह की दौड़ हो सकती है, तो ये सब खेल होते होंगे, जब स्टेडियम है तो ज़रूर होते होंगे, तो ये सब हैं खेल और प्रतियोगिताएं होती होंगी। कहानी कथाएं ये भी इनका एक मनोरंजन का साधन हुआ करता होगा, और कहानी और कथाएं जैसे मर्द भांडों पर मिली हैं, मर्द भांडों पर अंकन है इसका, जैसे प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी, जो पंचतंत्र की कथाएं हैं उनका अंकन जो है वो इनके मिट्टी के बर्तनों पर चालाक लोमड़ी के अंकन इत्यादि मिलते हैं देखने को, इसका मतलब ये कहानियां भी जो है गढ़ते थे, और वो कहानियां इनके मनोरंजन का साधन हुआ करती होंगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ खिलौने मिले हैं, तमाम खिलौने मिले हैं, तो खेल खिलौने यानी कि बच्चों के लिए खिलौने भी थे, ये भी मनोरंजन का साधन है, जैसे तांबा की इक्का गाड़ी है, तांबा की इक्का गाड़ी एक खिलौना है, और भी तमाम मिट्टी के भी हैं, तांबा की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है कमेंट करके बताइए, तो ये सब खिलौने भी इनके मनोरंजन का साधन है। नृत्य, नृत्य भी मनोरंजन का साधन है,
तो देखिए नृत्य में नर्तकी मिली है, कांस्य की नर्तकी का मोहनजोदड़ो से मिली है, कांस्य की नर्तकी। और नटराज, कमेंट करके बताइए नटराज कहाँ से मिले हैं, नटराज की मूर्ति। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य में भी रुचि लेते थे। तो ये आपने देख लिया इनके मनोरंजन के साधन। जब भी कोई समाज का आपको देखना होता है तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम समाज को देखते हैं कि उनका समाज किस प्रकार से वर्गीकृत था, उसमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या आर्थिक आधार पर कोई विभेद है या नहीं है। तो आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया गया था और समाज बहुत बुद्धिजीवी था, तकनीकी ज्ञान था, जिसके प्रमाण में हमने चीज़ें बताई। विभिन्न प्रकार से मनोरंजन के उनके पास साधन थे, खिलौने थे, शिकार करना, मछली पकड़ना, गीत संगीत नृत्य गायन, वाद्य यंत्रों की जानकारी उनको थी, जैसे वीणा। तो ये सब कुछ वो खेल कूद किया करते थे। और हमने स्त्रियों की दशा के संदर्भ में हमने देखा कि बहुत सी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, उर्वरता देवी, मातृ देवी और बहुत सी नाना प्रकार की स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था और समर्थन में मेसोपोटामिया के मात्र सत्तात्मक समाज होने के प्रमाण भी हैं। खान पान में हम देखते शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, वेशभूषा में वस्त्र हैं, आभूषण हैं, प्रसाधन की सामग्रियाँ हैं, वो सब यूज़ किया करते थे। शिक्षा बौद्धिकता हमने बताई, मनोरंजन और शांति प्रिय समाज था, सामाजिक सौहार्द भी था, क्योंकि गरीब तबका और अमीर तबका साथ में रहा करते थे, एक साथ एक प्रकार की सुविधाओं का लाभ लिया करते थे, एक प्रकार की नालियाँ सड़कें इत्यादि का वो यूज किया करते थे। तो समाज में सौहार्द भी देखने को मिलता है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का समाज। अब इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब वहाँ पर भी हम साक्ष्यों के आधार पर देखेंगे कि वो धार्मिक रूप से क्या मान्यता रखते थे। एक चीज़ यहाँ पे हम और लिख सकते हैं, सवाधान। तो सवाधान को हम समाज से ज़्यादा धर्म में जोड़ के धर्म वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। हालांकि अगर आप मेंस में इस पर कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप सवाधान पॉइंट को भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सवाधान यानी सब को जो अंत्येष्ट क्रिया है, उसका अंतिम संस्कार करने की क्रिया है, उसके दोनों परिपेक्ष होते हैं। वो एक सामाजिक क्रिया भी है और उसको करना एक धार्मिक क्रिया भी है, यानी अपने अपने धर्म के अनुसार भी लोग उसको करते हैं। और सामाजिक क्रिया तो है ही, सब को दफन करना एक समाज की विशेषता है। तो हम सवाधान को धर्म में पढ़ लेंगे, दोनों जगह उसको आप ऐड कर सकते हैं, समझ ले सकते हैं। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो धार्मिक पक्ष पर होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।